चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक हमारा टॉपिक अप्रोक्सीमेशन, या आपकी एक्सरसाइज 8.4 होगी। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है सन्निकटन, ठीक है। इसमें आपका एक फॉर्मूला काम आना है बच्चों, बस डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे बच्चों, एरर। एरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रुटि। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, सापेक्षिक त्रुटि। और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, इसे बोला जाता है बच्चों परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। तो ये काम आएगा केवल डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स क्या बोली जाती है, एरर त्रुटि। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रिलेटिव एरर सापेक्षिक त्रुटि, और बच्चों डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि। एक बार आप लोग देख लीजिए इस तरह से होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों जो काम आना होता है। क्लियर, कैसे इस्तेमाल होगा इसकी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.4 में उपलब्ध होंगी, ठीक है। जैसे हमसे पूछा जाए क्वेश्चन, रूट 26 की वैल्यू बताइए, हमसे कहेगा रूट 26 की वैल्यू बताइए बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूज डेरिवेटिव, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 26। अंडर रूट 26 का मान अवकलन की सहायता से ज्ञात करें, सीधा निकालना अंडर रूट 26 अवकलन की सहायता से। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले लेट माना बेटा, एक फंक्शन माना जाता है वाई बराबर, इसके अनुसार वाई बराबर हम मानेंगे एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट एक्स। इसके चेहरे के अनुसार फंक्शन बनाया जाता है, तो यहां अंडर रूट है तो अंडर रूट एक्स, तो कुछ और भी पावर होती तो हम एक्स पर और पावर मान लेते हैं, जहां एक्स एक्स बेटा एक्स खुद कभी भी नहीं होगा, 26 कभी नहीं होगा, एक्स खुद कभी नहीं होगा, एक्स के आसपास की वैल्यू होगी या तो बड़ी या छोटी। एक्स बनेगा आपका 25, समझ रहे हो ना, खुद नहीं बनेगा, उससे या तो जस्ट बड़ी या जस्ट छोटी वैल्यू बनेगी 25। और ये खुद कौन होएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बनेगा आपका 26। खुद कौन बनेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इससे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 माइनस 25 1। तो ये आपके इन क्वेश्चनों की पहली स्टेप होती है, फंक्शन बनाया उससे एक्स पता चला, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये पूरा मिलके पहले स्टेप का प्रोग्राम होता है, ठीक। दूसरी स्टेप, इसका डिफरेंशिएशन कराओ, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 √x, ये इसकी दूसरी स्टेप हुई, ठीक। फिर इसके बाद में डेल्टा वाई का फॉर्मूला बोलो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, 1/2 √x इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बराबर कितना आ गया, 25 डेल्टा एक्स यानी 0.1। तो इस तरह से चलती है, पहली स्टेप में ये लिखा जाता है, दूसरी स्टेप में डिफरेंशिएशन होता है, तीसरी स्टेप में डेल्टा वाई बनता है, और फोर्थ स्टेप में हमने वाई बराबर क्या माना था, रूट एक्स। तो जहां वाई लिखा है वहां वाई प्लस डेल्टा वाई लिखो, और जहां एक्स लिखा है वहां एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखो, वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई की जगह रूट एक्स डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी पुट करा दो, 25, तो ये क्या बन जाएगा, 5 0.126। तो रूट 26 बराबर कितना आ जाएगा, 5.1। इस तरह से
इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। अभी बात समझ में, सीधा निकलना बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन इन्हें यूज किया जाएगा। और देखो एक को जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 10, लॉग 10 10.1 और साथ में दिया गया लॉग ई बेस 10, इसकी वैल्यू दे रखी 0.4343, ये हमें गिवन है। शुरू कहां से होगा सॉल्यूशन? लेट पहले तो फंक्शन मानो इसके अनुसार, तो क्या मानोगे फंक्शन? लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस 10, जहां पर एक्स क्या बनेगा? खुद नहीं बनेगा, 10 बनेगा। तो खुद कौन बनता है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0.1। ये आपकी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप y बराबर लॉग एक्स बेस 10, इसका डिफरेंशिएशन करा दो। ये तो आपका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? लॉग एक्स बेस ए वाला, क्या होता है? 1/x log a। जब ये ऊपर जाता है तो अदल बदल जाते हैं, log e बेस 10, तो dy by dx बराबर, ठीक है चलो बाद निकाल। इसके बाद डेल्टा y बनाओ, डेल्टा y क्या बनेगा? dy by dx into डेल्टा x, dy by dx है ना, log e बेस 10 अपॉन x इंटू डेल्टा x, इसकी वैल्यू कितनी? 0.4343, x की वैल्यू 10 और डेल्टा x की वैल्यू 0.1, डेल्टा y बराबर 0.200443 43। तो हर क्वेश्चन सेम तरीके से किया जाता है। तो y बराबर क्या था बच्चों? log x बेस 10, y की जगह y प्लस डेल्टा y लिख दो और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख दो, ओके। और जहां ये y लिख रहा है वापस y की वैल्यू पुट करा दो, log x बेस 10 डेल्टा y, log बेस 10 x प्लस डेल्टा x, x की वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू 0.004343 और log 10 ये कितना था आपका? 10.1। तो log 10 10.1 बराबर सेम टू सेम होने पर वैल्यू कितनी होती है? 1 0 0 4 3 4 3। फाइनली आंसर दिस। तो इस तरह ने डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। दिख रहा है पूरा? ठीक, बट लेकिन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को देखना। एग्जांपल नंबर 29, एग्जांपल नंबर 29 इसे और देख लो। एग्जांपल नंबर 29, बेटा 2 मिनट चुप रहना। एग्जाम्पल नंबर 29, सब अपनी बुक में से एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। क्या बोला है? इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड, एक स्फीयर है। शुरू कहां से करना? माना कि लेट बी रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर एंड वॉल्यूम इज बी। पहली लाइन में उसकी रेडियस और उसका वॉल्यूम माने। क्वेश्चन में क्या है गिवन? बोला गया है कि आर जो है वो 7 मीटर है और उसमें डेल्टा आर जो एरर है वो 0.02 सेंटीमीटर है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि डेल्टा भी बताइए।
बच्चों एक स्पेयर है, उस स्पेयर की रेडियस आर बराबर इतनी है और उसमें एरर इतनी है, तब उसके बी में हमसे एरर पूछी जा रही है, तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर गोले का आयतन, स्पेयर का मतलब गोला, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या करा दो? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, डीवी बाई डी आर, 4/3 पाई कितना हो जाएगा? ये 3 आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर। हमसे क्या पूछी जा रही है? एरर इन वॉल्यूम, हमसे क्या पूछ रहा है? आयतन में त्रुटि, एरर इन वॉल्यूम। डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा? डीवी बाई डी आर डेल्टा आर, ये कितना है आपका? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर की वैल्यू 7 और डेल्टा आर की वैल्यू 0.02। जब इन्हें सॉल्व करेंगे, इनटू करेंगे, तो आंसर आता है 3.92 पाई। तो बेटा इस तरह से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन को किया जाता है, करके देखें एक बार, बाकी कल और करेंगे। थैंक यू।